हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए लेकर आया है दो खुशखबरियां। एक खुशखबरी है कि भाई छत्तीसगढ़ पीएससी की टेस्ट सीरीज जो 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसे कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग में फ्री कर दिया गया है। आप आकर यहां पर ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यह टेस्ट ऑनलाइन भी फ्री है, परंतु कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग में आप आकर यह टेस्ट जो है फ्री में दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो नेशनल और इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो है, उसे कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग में फ्री उसकी क्लासेस करवाई जाएंगी। निशुल्क क्लासेस यहां पर होंगी और यह निशुल्क क्लासेस का लाभ आप 11 और 12 जनवरी को नेशनल करंट अफेयर के रूप में और साथ ही साथ 15 और 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहां जो क्लासेस होंगी उसमें आपको संपूर्ण साल भर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए या महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और सभी घटनाएं इतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी जो परीक्षा में पूछी गई हैं या आगे चलकर आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ऐसे प्रश्नों का संकलन और ऐसे आपके डेटा का संकलन आपको यहां पर करवाया जाएगा और इसकी इतनी तैयारी करने के बाद आप सीजीपीएससी के एग्जाम में जब एग्जाम देंगे तो यहां पर आपके जो पास करंट अफेयर की जो चीजें हैं, जो आप नोट्स बनाएंगे, उसमें से संभावित प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं कि करंट अफेयर की क्लासेस में हम किन किन करंट अफेयर को पढ़ेंगे और किस टाइप के डेटा हमको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आता हूं करंट अफेयर के और उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहला यहां पर देखें अवार्ड या पुरस्कार से संबंधित जानकारी। पहली एक जानकारी यहां पर है मैन बुकर अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड और साथ ही साथ एक अवार्ड होता है इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड। ये दो अवार्ड के लेते बच्चे जो है थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये मैन बुकर और इंटरनेशनल में क्या फर्क है। तो मैं बता देना चाहूंगी जो मैन बुकर अवार्ड है ये केवल और केवल इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपनी पुस्तकें लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, उन्हें ही प्राप्त होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है वह जो अवार्ड है ये अन्य भाषाओं के लिए, इंग्लिश के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं उसके लिए भी प्राप्त होता है, परंतु उन भाषाओं का अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए, उनके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें, चर्चा करें मैन बुकर प्राइज की, तो मैन बुकर प्राइज 2023 इस बार का पॉल लिंच को प्राप्त हुआ जो आयरलैंड के निवासी है। इसके अलावा जो अगली बात जो आपको याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कौन सी रचना की, तो इनकी रचना है प्रॉफिट सॉन्ग। इस प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको मैन बुकर प्राइज वर्ष 2023 का मिला है। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर ये राशि की अगर बात करें कि कितनी राशि अवार्ड में मिलती है, तो 50,000 पाउंड। अगर इस राशि को अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना जरूरी है। तो यहां पर आप इनका नाम याद रखिए और इनकी रचना याद करिए। इसके अलावा जब अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस मैन बुकर अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 1969 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा विशेष में मैंने यहां पर बताया कि भाई देखिए कि भाई जो मैन बुकर प्राइज है केवल इंग्लिश साहित्य के लिए दिया जाता है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसी भी भाषा का अनुवाद अंग्रेजी में अगर किया गया है तो उसे प्राप्त होता है। क्लियर है? ये डिफरेंस बिल्कुल याद रखिएगा। अगर मैन बुकर की बात कर लिए हैं तो इंटरनेशनल को भी देख लेते हैं। चलिए अंतरराष्ट्रीय में किसे मिला है, तो अंतरराष्ट्रीय में जॉर्जी जो बुल्गारिया की हैं, उन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ। क्लियर है? अब इसके अलावा प्रश्न क्या बनता है कि भाई जॉर्जी की रचना कौन सी है, तो जॉर्जी की रचना है टाइम सेल्टर। तो जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है अन्य भाषाओं में मिलता है, तो इन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, इन्होंने अन्य भाषा में लिखा और उसका अनुवाद हुआ इंग्लिश में, और इंग्लिश में अनुवाद किया एंजेला रोडेल ने क्या किया, अनुवाद किया। क्लियर? तो यहां पर आपका तीन ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, जॉर्जी का, टाइम सेल्टर और एंजेला रोडेल, ये तीनों नाम आपको, तीनों पॉइंट आपको याद रखने। इसके अलावा हम अगर बात करें भारत में यह अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था, तो 2022 में गीतांजलि श्री को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था और उनकी रचना थी रेत की समाधि। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अवार्ड से संबंधित आपको याद होना चाहिए। पहला, इस व्यक्ति का नाम जिसे अवार्ड प्राप्त हुआ, इसके अलावा इनकी रचना, इसके अलावा इनका किन्होंने संयोग अगर किया है, साथ दिया है जैसे ट्रांसलेट करने में या कुछ अन्य चीजों में, तो उनका भी नाम आपको याद रखना जरूरी। क्लियर है?
इतने पॉइंट आपको पुरस्कार से संबंधित याद रखना है, ठीक। इसके अलावा अन्य चीजों को देखते हैं। तो G20 जो साल भर भारत के परिदृश्य में हमें देखने को मिला G20 के बारे में, क्योंकि G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 जो कंट्रीज का ग्रुप है, ये जो है भारत में इनका एक बैठक हुआ, एक सम्मेलन हुआ, ठीक। तो यहां पर हमें क्या क्या बातें जो है इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान देनी उसे देख लेते हैं। तो G20 की अगर बात करें तो इसका स्थान क्या था, भारत दिल्ली, क्लियर है, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में आपको पूछेगा कि भाई स्थल कौन सा था, तो आप बताएंगे भारत मंडपम प्रगति मैदान में यह सम्मेलन हुआ। इसके अलावा अगर डेट की हम बात करें आयोजन की, तो आयोजन हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 तक। इसके अलावा यहां पर जो थीम है, इसकी थीम को आपको स्पेशली पूछा जाता है। हर सम्मेलन की कोई ना कोई थीम होती है, G20 हो या G7 हो, जो भी हो, उनकी कोई ना कोई थीम आपको देखने मिलेगी। तो इस बार क्योंकि भारत में हुआ, तो भारत का एक थीम था, भारत के द्वारा दिया गया थीम, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी में यहां पर थीम था वसुधैव कुटुंबकम, क्लियर है। तो थीम को याद रखना भी जरूरी है। इसके अलावा इस इमेज को आप देखिए, इमेज से संबंधित भी आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहां पर इमेज में देखिए आपको एक लोगो नजर आ रहा है, और लोगो क्या है यहां पर, कमल का फूल। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसका मोटो या लोगो क्या था, तो उसका मोटो या लोगो था कमल का फूल। इस पॉइंट को भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट, इसी इमेज को देखिए ध्यान से, ये G20 का जो इमेज दिख रहा है, इसमें कुछ कलर्स यूज किए गए, तो आपको पूछा जाएगा कि G20 के जो थीम है या लोगो है उसमें कितने रंगों का प्रयोग हुआ। तो यहां पर रंग की अगर बात करें तो केसरिया रंग है, सफेद है, हरा है और नीला, ऐसे चार रंगों का प्रयोग इस थीम में किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसी तैयारी आपको क्लास में करवाई जाएगी। अगर आप 11 और 12 को 12 जनवरी को करंट अफेयर की क्लासेस अगर दुर्ग में अटेंड करते हैं, तो आपको पूरे साल भर की करंट अफेयर निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जरूर आप यहां पर निःशुल्क करंट अफेयर क्लासेस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को मित्रों को बताएं, क्लियर है, ठीक। चलिए अगले अगर हम पॉइंट को बात करें कि भाई शेरपा कौन थे इस बार G20 के, तो वो थे अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे, इसको भी आपको याद रखना, नीति आयोग के पूर्व सीईओ के रूप में उन्होंने कार्य किया है अमिताभ कांत, ठीक है। इसके अलावा शामिल देशों की अगर संख्या की बात करें तो 19+1, और एक क्या था, यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संघ, ठीक है। टोटल 20 कंट्रीज का यहां पर ग्रुप हमें देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा G20 का एक नवीनतम सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन जो G20 का एक नवीनतम सदस्य बना, और आगे चलकर यह हो सकता है कि इसका नाम पड़े G21, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ने वाला, क्लियर है क्या, ठीक। तो ऐसे विशेष पॉइंट के बारे में बिल्कुल आपको याद रखना, यहीं से ही एक एक पॉइंट पे ऐसे छोटे छोटे चीजों पर ही प्रश्न बनते हैं। इसी पर आधारित आपको कूट वाले प्रश्न भी यहीं से बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपके पूरे 2-3 पॉइंट क्या है इसमें कवर हो जाते हैं, क्लियर है, ठीक। और देखते हैं हमारे पास कौन से करंट अफेयर है। तो यहां पर देखिए खेल से संबंधित कुछ जानकारी, खेल से संबंधित जानकारी में अगर देखें तो 19वां खेल जो 2022 में जो एशियाई खेल होना था, वह एशियाई खेल हुआ हांगझाउ चीन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल जो एशियन गेम्स हुए हांगझाउ चीन में हुए, और यह 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चाइना में हुए। इसके अलावा हम बात करें अगला एशियन गेम कहां होगा, तो उसके बारे में भी आपको पूछा जाता है, जो प्रस्तावित है, और वो 20 नंबर का एशियन गेम होगा, और वो होगा जापान में कहां, आयाची और नगोया जापान 2026 में। इस बार का 2023 में हुआ, तो अगला जो है 2026 में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें जो आयोजन करता है वो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। डन, याद रख चीजें। अब जो एशियन गेम में 19 जो एशियन गेम हुआ, उसका आपको अगला पॉइंट क्या पूछेगा कि भाई इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कॉन्गकॉन्ग लियान लियान और चेनचेन ये शुभंकर थे इस बार के, क्लियर है। जैसे कि आदर्श वाक्य, जैसे मैंने बताया थीम कुछ ना कुछ होती है, एशियन गेम्स की भी एक थीम थी, और थीम थी हार्ट टू हार्ट, याद रखेंगे हार्ट टू हार्ट इस बार एशियन गेम की थीम भी रही, और साथ ही साथ थीम का एक गीत भी रखा गया था, और थीम का गीत था विथ यू एंड मी, एशियन गेम्स का थीम रहा। इसमें अगर हम बात करें कितने खेल थे, तो खेल की बात करें तो 40 खेल थे,
और प्रतिभागी देश जो थे इसमें 45 थे। क्लियर है, प्रतिभागी देशों की संख्या यहां पर पूछी जाती है। डन। तो इतने पॉइंट जो है एशियन गेम्स से रिलेटेड आप याद रखेंगे, और भी जो खेलों की चर्चाएं हैं, अन्य खेलों की चर्चाएं, राष्ट्रीय खेल से लेकर एशियाई खेल तक सबकी चर्चा हम क्लासेस में करेंगे। बट आप जानिए कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक। अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई थी, ऐसे रिपोर्ट से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिपोर्ट क्या आई थी, बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना यार टाइगर की काउंटिंग हुई थी, बाघों की गणना की गई थी। ठीक। तो बाघों की गणना जो थी उसको जारी किया गया था विश्व बाघ दिवस। याद रखिएगा, यहां पर दो प्रश्न आपके बन जा रहे हैं, एक तो बाघों की गणना में कितने बाघ हैं वो पूछे जाएंगे, और ये बाघों की गणना यानी बाघ दिवस कब मनाते हैं इसको भी पूछा जाएगा। तो बाघ दिवस जो मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इसी दिन बाघों की गणना की जो रिपोर्ट जो है उसे भी पेश की गई। तो पेश की गई वाली जारी तिथि के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे 28 जुलाई 2023। क्लियर है। तो आपको यहां पर दो चीजें याद रहेंगी, क्या कि 28 जुलाई को आपकी बाघ गणना रिपोर्ट भी यहां पर जारी की गई, और साथ ही साथ गणना की रिपोर्ट जारी करने के अलावा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। यह जो जारी करता है कौन सा मंत्रालय, इसको पूछा जाता है कौन सा मंत्रालय यह रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक। तो यह रिपोर्ट जारी किया गया केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा यह बाघ गणना रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर है। अब बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी निकल कर आई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक। पहला पॉइंट यह कि 28 जुलाई 2023 को हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट कि विश्व बाघ दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट कि जारी कौन किया, तो केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अब जो गणना में रिपोर्ट जो आई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रिपोर्ट में क्या बताया कि भाई हमारे भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वह है 3682, 3682। क्लियर। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी मैं बता देता हूं, कैसे याद करेंगे आप देखिए, 6 और 3 कितना होता है 9, और 8 और 10 2 कितना होता है 10। क्लियर है। तो आप याद रखेंगे 9 और 10, 9 किससे मिलकर बना 3 और 6 से, और 10 किससे मिला 8 और 2 से मिलके। तो ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट ट्रिक भी आपको याद रखने, ताकि डेटा आपको याद करने में आसानी हो। 9 और 10, 9 के बाद 10 आता है, ये अगर आपको याद है तो आप बोलेंगे 3 6 9 हो गया, और 8 और 2 10 हो गया। ऐसे करके भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो 3682, दो तीन बार आप इसे रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बाघ हमारे यहां भारत में बाघों की संख्या कितनी है, याद हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। अब सर्वाधिक बाघ की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बाघ हमारे भारत में कहां है। ठीक। तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश में जो बाघों की जनसंख्या है वह है सबसे ज्यादा 785। सेकंड नंबर पर है कर्नाटक, जहां बाघों की जनसंख्या है 563। इसके अलावा उत्तराखंड में 560, और महाराष्ट्र में 444। क्लियर। तो एग्जाम में आपको यहां पर क्रम जमाने दे सकता है कि भाई बढ़ते से छोटे कम घटते क्रम में यहां पर जमाइए बाघों की गणना संबंधित, या घटते से बढ़ते क्रम, बढ़ते से घटते में बोलेगा तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। फिर से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये चारों को क्रम में याद रखिएगा बढ़ते से घटते क्रम में। और अगर घटते से बढ़ते क्रम में बोलेगा तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ऐसे आपको याद रखना है। ये भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा टाइगर रिजर्व, जहां पर सर्वाधिक आपके बाघ प्राप्त होंगे, बाघों की संख्या की अगर बात करें तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में 260, इसके अलावा बांदीपुर कर्नाटक में 150, और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, कभी छत्तीसगढ़ में पूछे तो छत्तीसगढ़ में 17, कहा जाता है कि 2018 में 19 बाघ थे, अब 17 हो गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2018 में जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 2967 2967 यहां पर कुल बाघ हुआ करते थे। डन है यहां तक चीजें। तो अभी बाघ की जनसंख्या कितनी हो गई भाई, इसको याद रखना है आपको 3682। क्लियर है। 2018 का भी याद रखेंगे 2967, ये दोनों डेटा आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बाघों की गणना से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें। तो ऐसे करंट अफेयर के बारे में जैसे मैंने बताया कि अगर इस प्रकार के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं तो आप
कंपटीशन कम्युनिटी दुर्गा में आ सकते हैं। और कंपटीशन कम्युनिटी दुर्गा में आपको दो चीजें यहां पर मिल रही हैं, दो यहां पर मैंने बताया, दो विशेषताएं यहां पर आपको देखने मिलेंगी कि भाई आपको छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का एक फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो 14 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक चलेगा यह आपको निःशुल्क ऑफलाइन प्राप्त होगा। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको निःशुल्क मिलेंगी। जो क्लासेस जो है डेट याद रखिएगा, एक 11 और एक 12 जनवरी को आपको नेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने मिलेंगे, और साथ ही साथ 15 और 16 जनवरी को आपको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो क्लासेस होंगी इसमें साल भर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, योजनाएं से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित और अवार्ड पुरस्कार से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो पूरा का पूरा इस करंट अफेयर में सम्मिलित किया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप कॉम्पिटिशन कमेटी दुर्गा में आकर रजिस्ट्रेशन करवाइए और क्लासेस का लाभ लीजिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।